and well wishes to everybody, good friends like you. My father, nice to see you again. Madara, if you are not, but you never can, when you are coming. You are not principal. Now I can say that. You can see, as pink as ever. अतिथियों का कोहली परिवार की ओर से, राजा मिश्र प्रकाशन की ओर से और इस पुस्तक के लेखक प्राध्यापक नितिन आर्यभट्ट जी की ओर से मैं डॉक्टर समीरा गुजर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी से अनुरोध करती हूँ, सभी से विनती करती हूँ कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इधे उपस्थित सगळ्यांचं कोहली परिवाराच्या वतीने, राजा मिश्र प्रकाशनाच्या वतीने आणि प्राध्यापक नितिन आर्यकर यांच्या वतीने मी डॉक्टर समीरा गुजर मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण या ठिकाणी एकत्रित झालो आहोत ते स्वर्गीय सरदार कुलवंत सिंहजी कोहली यांच्या अनुभवावर आधारित। ये किताब बहुत ही दिल से लिखी गई है और इसकी भाषा दिल की भाषा है, इसीलिए मैं चाहे हिंदी में बोलूं, मराठी में बोलूं, इंग्लिश में बोलूं, मुंबई में सब सब समझ जाते हैं क्योंकि मुंबई की अपनी अलग भाषा है। और मुझे लगता है आज का इसी को विनती करती हूँ कि आप सब अपनी जगह पर खड़े होकर यहाँ पर आमंत्रित अतिथियों का स्वागत करें। आई वेलकम द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र श्री आदरणीय डॉक्टर परवीन सिंह तसलीचा जी, लोकसत्ता के संपादक आदरणीय दिलेश गुरु, राजहंस प्रकाशन की ओर से डॉक्टर सदानंद बोसी जी, पुस्तक के लेखक प्राध्यापक नितिन आदित्य जी, सभी अतिथियों का तथा महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल महोदय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत। और समारोह की शुरुआत हम राष्ट्रीय गीत से राष्ट्र सम्मान करके करेंगे। मैं सभी को अनुरोध करती हूँ कि अपनी जगह पर खड़े हो जाए। पुस्तक के विमोचन समारोह में, लोकार्पण समारोह में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने कहा, यह किताब बहुत दिल से लिखी हुई है। ये मुंबई के बारे में है, ये कोहली परिवार के बारे में है, ये सरदार कुलवंत सिंह कोहली जी के जीने का फलसफा है। और इस किताब में हमें मुंबई का इतिहास भी देखने को मिलता है, किस तरह मुंबई बनी है ये देखने को मिलता है, मुंबई का जज्बा देखने को मिलता है। और ऐसे कई सारे चेहरे, कई सारी हस्तियां जिनका हमारे दिलों में एक अलग स्थान है, उनके बारे में कोहली जी की जो राय है, उनके साथ उनका जो रिश्ता बना, उस रिश्ते के बारे में भी इस किताब से हमें पता चलता है। मुझे लगता है यहाँ पर हम सभी जो मौजूद हैं, सबका कोहली परिवार के साथ एक रिश्ता है और हम सभी एक तरह साथ में हैं। गवर्नर साहब, सुशील कुमार जी शिंदे जी, प्रतीक्षा जी, सदानंद जी, गिरीश जी, अनिल जी और हमारे सारे अतिथिगण जो यहाँ आए हैं हमारे आमंत्रण पे, आई वेलकम यू ऑल टू अ वेरी इमोशनल एंड अ वेरी
heartfelt invitation that we sent to you, and I'm so happy that you have responded to it. I need to speak about my father. First of all, the reason was everything to us except that he was a writer. But with this facet of his, he has shown us that there is something in him that we have even missed. He was everything to us in life that I ever imagined that a good father and a good human being could be. He was good looking and handsome. He was very suave. He was very righteous and honorable. And he was a great teacher. And above all that, he was a fabulous father. Today I stand before you to pay my homage to a personality that was respected by the city of Mumbai, not only the population, but also the Sikh community. This book is his written record and also a historical record of the feelings that he had over 7 decades, which he experienced with the people of Bombay, whom he served and who befriended him and brought him and made him into the man that he ultimately became for all of us. I would now like to hand over the mic to our master of ceremonies, Dr. Gujjar, so that she can continue with it. Thank you very much. Thank you for those wonderful words directly from heart. आइए अब उस पल की ओर बढ़ते हैं जिस पल का हम सभी ने इंतजार किया है. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज इस समारोह में आदरणीय राज्यपाल महोदय, जो हालात महाराष्ट्र में चल रहे हैं उन हालातों के बावजूद यहाँ पर उपस्थित है, ये सही मायने में हमारे लिए बहुत बहुत गौरव की बात है और हम इसके लिए आपके हार्दिक आभारी हैं. और इस पुस्तक का स्वागत करने के लिए हम सभी उत्सुक हैं, तो मैं राज्यपाल महोदय तथा सभी अतिथियों से विनती करती हूँ कि इस विमोचन समारोह में वो सम्मिलित हो. एक यादों का ये दस्तावेज, और यहाँ पर आदरणीय राज्यपाल महोदय के हाथों इस पुस्तक का विमोचन हो रहा है और सभी अतिथियों के साथ और कोहली परिवार के सभी सदस्य भी. और दोनों बच्चों के साथ उनकी लाइन में बहना भी यहाँ पर उपस्थित हो गई है, तो कोहली परिवार के सभी सदस्यों का भी स्वागत और अभिनंदन. और इस क्षण को चित्र के रूप में समेटने के लिए यहाँ पर सारी हमारी मीडिया भी उत्सुक है. इस पुस्तक इसलिए ये है मुंबई मेरी जान पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर आदरणीय शिंदे साहब, आदरणीय माता श्री श्रीमती कुलवंत कौर जी, भाई गिरीश कुबेर जी, धर्मेंद्र जी, नितिन बेकर जी, सदानंद कौचे जी, अमरदीप कहाँ के अमरदीप जी, हेम जी बुलाने आए थे, और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित भाई और बहन. जल्दी का काम अच्छा नहीं होता, पर चूँकि मुझे जल्दी जाना है, आप लोगों ने ऐसा निर्णय दिया है कि भूतपूर्व राज्यपाल भी परेशान है, वर्तमान भी परेशान है. ऐसे में जल्दी जाऊँ तो आपको विचित्र लगेगा, लेकिन मजबूरी है. मैं सबसे पहले तो अमरदीप को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि अपने पूज्य पिता श्री सरदार कुलवंत सिंह जी के बारे में और उनकी लेखों को और सब बारे में यहाँ एक संकलित करके एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी. ये है मुंबई मेरी जान. अब ये जब इसका हेडिंग मैंने देखा तो मुझे आजकल कोई जाम मिली नहीं. तो मुझे ऐसा लगता है कि
कि अब मुझे मुंबई जॉब मिल गई है तो मैं भी धंधे से हो गया हूँ कि भाई यार अगर कुलवंत सिंह जी की चाह है तो हो सकता है मेरी भी चाह हो जाए। तो वास्तव में कुछ लोग हैं जो समाज में सभी जीवन व्यतीत करते हैं लेकिन अपना इम्प्रिंट छोड़ जाते हैं, अपनी छाप छोड़ जाते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब यहाँ सरदार कुलवंत सिंह जी के बारे में मुझे बताया गया, फिर मेरे और लोगों ने भी मुझको कहा कि नहीं वो यहाँ किस रूप में आए और कैसे उन्होंने यहाँ अपने को स्थापित किया, और न केवल अपने को स्थापित किया बल्कि सैकड़ों हजारों लोगों को भी स्थापित किया। अपने को तो बहुत करते हैं लेकिन ऐसे अनेक लोगों को स्थापित किया, तो मैं सोचता हूँ कि ये उनके अंदर की मानता थी। और होटल तो बहुत लोग चलाते हैं, ये भी होटल ही है, तो एक होटल शुरू करके फिर अपना जो उन्होंने फिलेंथ्रोपिक काम किया, सामाजिक काम किया, और समाज ने उनको बॉम्बे के शरीफ भी रहेगा और तो बॉम्बे के वो शरीफ भी रहे, तो एक प्रकार से समाज ने उनको सम्मान भी दिया, जीते जी सम्मान दिया। और उनके जाने के बाद जो ये सम्मान मिल रहा है, मैं सोचता हूँ कि जितना कोहली परिवार को इतना आनंद आ रहा होगा, उससे आगे जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा होगी उनको और आनंद आ रहा होगा कि बम्बई का इतना हर वर्ग के लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो आज यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं वास्तव में अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये तो महात्मा गांधी का 150वां जयंती है और गुरु कृपा से कुलवंत सिंह जी और आई अमरदीप और उनके भाई लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो गुरु जी का भी नानक देव जी का 550वां प्रकाशोत्सव है, तो ये वर्ष वैसे भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपने काम यहाँ पर पुस्तक का प्रकाशन किया, मैं प्रकाशकों को और विशेष करके संपादन में हमारे आरेकर जी ने बड़ा मेहनत की है, उन सबको बहुत बधाई देता हूँ। और आप सबको एक बार फिर से बधाई के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे जाना है, आप क्षमा करेंगे, हमारे संजय साहब यहाँ हैं, हमारे सीनियर हैं और इनकी हंसी मजाक हमारी बहुत चलती रहती थी। ठीक है, ठीक है। तालियों के गूंज के साथ मुझे लगता है राज्यपाल महोदय को हम आज के समारोह में अलविदा कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इस पुस्तक का जन्म कैसे हुआ, ऐसी किताब लिखी जाए ये ख्याल पहले किसके दिल में आया? बहुत ही दिलचस्प कहानी है इस पुस्तक के गठन की, किसने वो आएगी बयां की जाएगी, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है इस पुस्तक के बारे में हम जिनसे बात करना चाहेंगे, जिन्होंने इस पुस्तक को कागज पर आकार दिया, जिनके शब्द लेकर जिनकी कलम से ये पुस्तक कोहली जी की आवाज बनी, उस आवाज से बात करना चाहेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्राध्यापक नितिन आरेकर जी, राष्ट्र में भलीभांति परिचित है, एकेडमिशियन होने के नाते मुंबई यूनिवर्सिटी की कई सारी कमिटीज के वो सदस्य है और जल्द ही डॉक्टरेट से भी वो नवाजे जाएंगे। जी जरूर, पर सभी वाचक गणों को उनका परिचय है एक क्रिटिक और लेखक के रूप में। संगीत हो, इतिहास हो या संस्कृति, उनके लिए अभ्यास के विषय है और उनके लिखने का ढंग कुछ ऐसा है कि दिल से दिल का कनेक्ट बन जाता है, मानो वे शब्दों के पुल बांधते हैं। मराठी चला या हृदयीचे ते हृदय म्हणतात, तशा पद्धतीचं लिखाण हे त्यांच्या शैलीचं वैशिष्ट्य म्हणता येईल। लोकसत्ता में जब से ये आर्टिकल्स लोग पढ़ने लगे तो वो सोचा करते थे कि कोहली साहब इतना अच्छा मराठी कैसे लिख लेते हैं। हालांकि वहां पर नाम छपा होता था नितिन आरेकर जी का, लेकिन ऐसा लगता था कि मानो कोहली साहब खुद, पापा जी खुद हमसे बात कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि यही उनकी कामयाबी का सबूत है कि वो इस तरह से हमें प्रभावित कर पाए। तो आइए बात करते हैं इस पुस्तक के लेखक प्राध्यापक नितिन जी आरेकर जी से। नमस्कार। आदरणीय राज्यपाल महोदय, नुकतेच इथून गेलेले आहे। यहाँ पर सफर की शुरुआत हुई है, ये डेफिनेटली एंड नहीं है, ये शुरुआत है, ये आगाज है, और आप सारे इस
सफ़र में हमारे हम सफ़र बने। तो आप सभी का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, हम सभी जने प्यार से गोगी सर ही कहते हैं, ऐसे गुरबख्श सिंह कोहली सर को। Good evening, everyone. I'd like to thank first the Governor of Maharashtra, Honorable Shri Koshyari ji, who, in spite of having a really packed schedule, could find time to grace this occasion. So, thank you to him. I would also like to thank the dignitaries, President of the Dais, and sitting amongst us.